हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। फ्रेंड, आईटी स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, बीएससी, एमएससी सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। ONGC गुजरात स्टेट ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर भर्ती निकल के आई है। फ्रेंड, लगभग 800 पोस्ट यहां पर हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए यहां पर बहुत अच्छी खुशखबरी है। आज की इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो इस रेड बटन पर क्लिक करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इससे पहले चेन्नई स्टेट की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर वो वीडियो देखिए और उस फॉर्म को भी फिलअप कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है आपको 01/2019 R&P गुजरात स्टेट की यह वैकेंसी है। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट की बात कर लेते हैं, तो आज ही यह वैकेंसी ओपन हुई है 31 जनवरी 2019 को, एंड इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2019 इसकी लास्ट डेट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में, स्टेफ फंड के बारे में। तो ONGC ने 3 लेवल में वैकेंसी ओपन किया है, A2 लेवल, A1 लेवल एंड W1 लेवल। A2 लेवल की बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 301 नंबर ऑफ पोस्ट है। पे स्केल 12,000 से लेकर 27,000 है। अदर अलाउंसेस वगैरह मिलाकर यहां पर जो आपकी सैलरी बन जाती है वह 31,500 रुपए पर मंथली बन जाती है। यदि फ्रेंड A1 लेवल की बात की जाए तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 428 है। यदि पे स्केल की बात करें तो 11,000 से 24,000 तक जो अदर अलाउंसेस मिलाकर आपकी जो सैलरी बनेगी A1 लेवल की वो 29,000 रुपए पर मंथ बनेगी लगभग। नेक्स्ट है W1 लेवल की, 8 पोस्ट है यहां पर ओनली। पे स्केल 10,000 से 18,000 तक है। आपकी अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी बनने वाली है यहां पर 26,500 रुपए पर मंथ बनने वाली है। अब आखिर इसमें देखिए 47% अलाउंस ऐड किया है, प्लस यहां पर डियरनेस अलाउंस, काफी सारे अलाउंस है, एंड ये सभी मिला करके यहां पर लगभग सैलरी आपको बताया गया है कि आपकी पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग में इतनी रहेगी अलग अलग लेवल की। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट की, तो काफी सारी पोस्ट यहां पर ओपन है, तो हम लेवल वाइज चलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं A2 लेवल पोस्ट के बारे में, जिसका पे स्केल 12,000 से लेकर 27,000 तक है। देखिए, सबसे पहला पोस्ट हमें मिल जाता है टेक्निकल असिस्टेंट Grade 3 केमिस्ट्री का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 90 है, कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइड किया गया है। SNTL क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम SNTL क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री से यदि आपके पास है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्ट है यहां पर असिस्टेंट टेक्नीशियन सिविल की, तो यहां पर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 7 पोस्ट है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल का यदि आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा है अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, आपका जो भी ब्रांच में डिप्लोमा है उस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर है रिमेन ड्रिलिंग, तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए इसके लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का यदि आपके पास है डिप्लोमा, प्लस आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना है, यहां पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि नीचे टेबल में दिया गया है, आगे हम क्लियर करेंगे। अगला पोस्ट है असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन का, यहां पर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, केमिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से आपके पास है, तो काफी सारी पोस्ट है प्रोडक्शन में, 132 पोस्ट है, तो बहुत अच्छा पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हो। अगला पोस्ट हमारा असिस्टेंट टेक्नीशियन बॉयलर का है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट GD3 ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहां पर आपकी टोटल 3 पोस्ट हैं, इसमें भी आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिकल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यदि पोस्ट ग्रेजुएट हो, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका SNTL है यहां पर, तो ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए अगला पोस्ट असिस्टेंट GD3 मटेरियल मैनेजमेंट से है, तो यहां पर यदि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट से है तो अप्लाई कर सकते हो। अगला पोस्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर का है, यदि आप ग्रेजुएट हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास सिक्योरिटी का है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं A1 लेवल पोस्ट के बारे में, जिसमें ITI स्टूडेंट्स के लिए, BSc स्टूडेंट्स के लिए जो काफी सारी पोस्ट इंक्लूड है। सबसे पहला पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री का, टोटल 12 पोस्ट है, इसमें BSc मेन सब्जेक्ट से होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट आपका BSc में केमिस्ट्री है,
अप्लाई कर सकते हो। अगला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है, 76 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। इसमें आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ में हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो प्लस आपका एनटीसी सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, अप्लाई आप कर सकते हो। अगला पोस्ट जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक के लिए, तो सेम एसएनटीएल क्वालिफिकेशन है, 10th क्लास प्लस आपके पास आईटीआई में डीजल मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अप्लाई कर सकते हो यहां पर एनटीसी सर्टिफिकेट। अप्रेंटिसशिप की यहां पर जरूरत नहीं है, अप्रेंटिसशिप यहां पर नहीं मांगा है, लेकिन कोई स्टूडेंट बीटीआर स्टूडेंट है यानी कि जिसने आईटीआई और अप्रेंटिसशिप साथ में की है, जो भी ट्रेड यहां पर दी है उन ट्रेड से आईटीआई है आपकी, तो अप्लाई कर सकते हो बीटीआर स्टूडेंट भी यहां पर। देखिए अगला पोस्ट यहां पर क्या है, जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आईटीआई स्टूडेंट 100 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है यहां पर। इसमें क्या जरूरत पड़ेगा आपको, हाई स्कूल और हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास आपके पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी सर्टिफिकेट कोई भी ट्रेड से होगा आपका चलेगा। ट्रेड क्या क्या है देख लीजिए आप लोग एक बार, फिटर ट्रेड से यदि आपके पास आईटीआई है अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्शन जो है जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन में। मैकेनिक ट्रेड में देखिए क्या क्या ट्रेड यहाँ पर है, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, टर्नर, मशीनिस्ट यानी कि मशीनिंग, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी, बॉयलर अटेंडेंट एंड मशीनिस्ट ग्राइंडर। यदि ये किसी भी ट्रेड से आपकी आईटीआई है, 10th क्लास आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ में किया है, आप जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड देखिए अगली पोस्ट भी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन सीमेंटिंग की। देखिए इसमें क्या है, 10th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में और ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई आपकी कंप्लीट हो, ऑटो फिटिंग से, मैकेनिक ट्रेड से, अब यहां पर मैकेनिक ट्रेड दी गई है, डीजल मैकेनिक हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, टर्नर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी, बॉयलर अटेंडेंट एंड मशीनिस्ट ग्राइंडर, यदि इन ट्रेड से आपके पास है आईटीआई तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें साथ साथ में आपके पास जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है सीमेंटिंग पोस्ट के लिए, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अगला यहां पर फिटर ट्रेड के लिए है, फिटर ट्रेड की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है फ्रेंड। 10th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में प्लस आपके पास फिटर ट्रेड का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार मशीनिस्ट का, वेल्डर का, सर्वेयर का, ये सभी यहां पर पोस्ट आईटीआई की है। देखिए मशीनिस्ट की 13 पोस्ट है एंड वेल्डिंग की यहां पर 14 पोस्ट है, सर्वे की बात करें तो 4 पोस्ट है। सर्वे के लिए आपके पास क्या, सर्वेयर का एक ट्रेड होता है आईटीआई में, उससे यदि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है आप फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हो। अगला पोस्ट यहां पर है मोटर व्हीकल ड्राइवर का, तो इसके लिए आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए प्लस 3 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप मोटर व्हीकल ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 4 पोस्ट यहां पर है। अब फ्रेंड यहां पर A1 लेवल की पोस्ट है जिसका पे स्केल 11,000 से 24,000 तक है। देखिए फर्स्ट पोस्ट है यहां पर मोटर व्हीकल ड्राइवर की है, तो यहां पर भी आपके पास 10th क्लास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हैवी व्हीकल एंड 3 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैवी व्हीकल का यदि आपके पास है अप्लाई कर सकते हो। अगला पोस्ट जूनियर सिलेंजर कम रिगर का है, यहां पर भी 4 पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास 10th क्लास ड्राइविंग लाइसेंस हो और 3 ईयर एक्सपीरियंस लोडिंग एवं अनलोडिंग का 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हो। अगला पोस्ट देखिए यहां पर है फार्मिस्ट ग्रेड 4 का है, इसमें आपका फार्मेसी होना चाहिए, देखिए मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन की फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एंड यहां पर जो कि रजिस्टर्ड हो फार्मेसी काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड नेक्स्ट पोस्ट है यहां पर नर्स GD4 की, यहां पर भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्लस यहां पर ऑक्सिलरी नर्स का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट की है, यहाँ पर BSc विथ फिजिक्स और मैथ के साथ में है आपके पास, आप जो है अप्लाई कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, तो यही है यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर आपको आपका लिया जाएगा। अकाउंट्स में भी टाइपिंग टेस्ट होगा, BCom होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है इनमें टाइपिंग जो है होना जरूरी है, ग्रेजुएट मांगा है सभी में, तो यहाँ पर लैंग्वेज की है जिसमें ग्रेजुएट हिंदी या इंग्लिश से है लेकिन जिस भी आपका सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है उसमें आपकी 30
20 वर्ड पर मिनट जो है स्पीड होना चाहिए टाइपिंग की, तो वो वहां पर अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर जूनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। यहाँ पर 20 पोस्ट है टोटल, यहाँ पर भी आपके पास इंटरमीडिएट प्लस 6 मंथ का यदि आपके पास सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यहाँ पर आपका अप्लाई होगा। नेक्स्ट जूनियर फायर सुपरवाइजर की है, यहाँ पर भी आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस फायर सर्विस का है प्लस साथ में ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल्स का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दोनों लिए जाएंगे। फ्रेंड नेक्स्ट पोस्ट जूनियर फायरमैन की है, इसमें आपके पास 10th क्लास प्लस जो है फायरमैन की ट्रेनिंग जो है 3 मंथ ड्यूरेशन की, लगभग 3 मंथ की आपके पास है प्लस ड्राइविंग लाइसेंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है सारा कुछ आपसे करवा के देखेंगे, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका अप्लाई होगा। जूनियर हेल्थ अटेंडेंट की बात करें तो मैट्रिकुलेशन प्लस यहाँ पर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप जूनियर हेल्थ अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारी पोस्ट फ्रेंड यहाँ पर हैं तो ये आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये रिजर्वेशन का क्लियरली दे दिया गया है पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। देखिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए 77 जो है A2 एवं A1 लेवल की पोस्ट में रिजर्व है, W1 लेवल में 3 पोस्ट रिजर्व है, इस प्रकार पीडब्ल्यूडी की टोटल 80 पोस्ट रिजर्व है। एस सर्विसमैन की बात करें तो A2 A1 लेवल में 105 पोस्ट एंड W1 में 1 यानी कि टोटल 106 पोस्ट जो है रिजर्व्ड की गई है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं ITI से कई सारी वैकेंसी हैं तो यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप, एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो जो भी पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट अप्लाई हुआ था उनका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट का डिटेल्स दिया गया है सारा कुछ, तो यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आप यहां पर देख सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, तो A2 और A1 लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष तक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट है, एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट है। W1 लेवल की बात करें तो 18 से 27 वर्ष एज लिमिट है, इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। यदि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए 10 वर्ष की छूट मिल जाती है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए 13 वर्ष की छूट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यदि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए 15 ईयर की छूट है। तो यहां पर देख सकते हो इसी प्रकार एक्स सर्विस मैन एंड ONGC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसके लिए भी यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हो CBT टेस्ट के सेंटर को कहां कहां सेंटर दिया जाएगा, तो अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है, बापी है, भुज है एवं गांधीनगर है, राजकोट है एंड भरूच है, नवसारी है एवं मेहसाना है, तो ये काफी सारे सेंटर यहां पर दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहां पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। हाउ टू अप्लाई की बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ONGC की वेबसाइट यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिस पर आपको 31 जनवरी 2019 से लेकर 20 फरवरी 2019 के बीच में आपको अप्लाई कर देना है। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी के बारे में, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वह 370 रुपीज़ है। इसमें आपका बैंक चार्ज एवं GST सभी कुछ ऐड है। बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की तो कोई भी फी उनके लिए नहीं रखी गई है। अब फ्रेंड बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट्स मस्ट पासेस मिनिमम स्कोर ऑफ 40% मार्क इन द एसेंटियल क्वालिफिकेशन। आपका जो भी एसेंटियल क्वालिफिकेशन है उसमें जो है मिनिमम 40% मार्क होना अनिवार्य ही है। नेक्स्ट यहां पर क्लियरली बोल दिया गया कि आपका जो भी परसेंटेज मार्क्स है उसको राउंड फिगर में आपको नहीं लिखना है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है 40.007% है तो 40.007% ही लिखना है, 41% नहीं लिखना है राउंड फिगर में। आगे इन्होंने सारा कुछ बताया, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, CBT टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी स्टूडेंट का पोस्ट के अनुसार स्किल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है या फिर टाइपिंग टेस्ट है, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, तो जो आपकी पोस्ट है उसके अनुसार जो है सेकंड स्टेज रहेगी। ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए स्किल टेस्ट होगा और जो अकाउंट्स वगैरह की पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आप अपनी पोस्ट के अनुसार यहां पर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर जो है आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो ITI स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके जो 80% क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो उनकी ट्रेड से रिलेटेड
रहेंगे उनकी डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेंगे। 20% क्वेश्चन के बारे में बात करें, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड से आपके पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसके बाद एक चीज़ और आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है उससे आपका 85% मार्क्स ही लिए जाएंगे, 85 मार्क्स लिए जाएंगे। उसके बाद जो आपके 10 मार्क्स होंगे वो डिपेंड करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन परसेंटेज के ऊपर, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज यदि अधिक होगी तो वहाँ से भी आपके मार्क्स लिए जाएंगे, और 5 मार्क्स जो हैं अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के आपको दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लियर किया है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, यदि आईटीआई में या इंजीनियरिंग में आपके 40-50% के बीच में है उसके आपको एक्स्ट्रा 3 मार्क्स दिए जाएंगे, यदि 50-60 है 6 मार्क, यदि 60 है अबाउट 10 मार्क दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार आपके जो है मार्क्स रहेंगे जो आपको दिए जाएंगे। आपके क्वालिफिकेशन में यदि अधिक परसेंटेज है 60 अबाउट है तो आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यदि जिस स्टूडेंट के कम है उनको जो है कम मार्क्स दिए जाएंगे, तो वहां पर आप देख सकते हो। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 31 जनवरी 2019 आज से स्टार्ट हो चुका है, और ये एंड हो जाएगा 20 फरवरी 2019 को। इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी सबमिट करने की, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो 22 फरवरी 2019 तक आप एप्लीकेशन फी को सबमिट कर सकते हो। यदि टेंटेटिव एग्जाम डेट की बात करें तो यहां पर संभावित उन्होंने बोला है कि मार्च 2019 के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। एग्जैक्ट डेट एवं टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड जब आ जाएंगे तो आपको जो है क्लियरली पता चल ही जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड यही सारी इंफॉर्मेशन है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस नोटिफिकेशन की लिंक, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां जाइए, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।